रेस्टोरेंट गए वहां भी किसी का गाना लगा मेरे पास तो वो, और जिस चीज को चोट लगी और जो किसी ने किसी का डसा हुआ है वो जरूर उसको वहाँ सोचता है कि हमारे साथ ये हुआ है तो हाँ ये सच है, ये पोर्ट्रेट बिल्कुल सही किया है। अच्छा खलील रहमान कितने दुश्मन हो गए, लोग कहते हैं औरत को गंदा कर दिया, बदनाम कर दिया, औरत को बदनाम नहीं किया, उसको बताया है कि औरत ऐसी भी हो सकती है, सास बहू को दिखाया, हाँ ये हो रहा, सास ने यूं किया, बहू ने यूं किया, नंद ने यूं किया, अरे ये भी एक रियलिटी है। जी जी एक बात बताओ, अपना बेचारा कि माशरे के अंदर अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती है, बुरी औरतें भी होती है, बुरी मर्द भी होती है, इसमें दिखाया गया तस्वीर के दोनों कहते हैं रुख रुख दिखाया गया, एक तरफ कहते हैं दिखाया कहते हैं ना आयशा खान को दिखाया कि उसका जो नेगेटिव रोल था कि वो पैसे से इतना इंस्पायर हो गई, उसने सामने अपनी शौहर की कहते मोहब्बत ही देखी, और एक तरफ जो क्या नाम है हानि, क्या नाम है इसका, दूसरी दिखाई हानिया नाम है, टीचर का है रोल है, तो आपको यानी कि अगर अगर आपके जिसम में अगर कोई किस्म का होता है जख्म होता है, पस होता है, कट होता है, तो फिर वो आस्था से ड्राई होता है, फिर सूखता है, तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है। भरते जरूर है लेकिन आंटी टाइम लगता है, हम ये नहीं कहते कि हम किसी के बगैर मर जाएंगे, लेकिन जो बंदा अपना मार के जाता है ना वो कभी नहीं भूल पाता, मतलब मैं मुझे लगता है कि अगर हमें किसी ने अपने ने जख्म दिए ना, मैं बुढ़ापे तक भी मरने तक भी कहूंगी यार बुरा हो गया, हाँ बाकी 36 लोग मिलते हैं हम कहते हैं यार जाता है जाए, लेकिन वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। अच्छा खलील रहमान के लिए क्या बोलेंगे, उन्होंने कैसा लिखा है, बहुत बेस्ट लिखा है और उन्होंने सब सच्चाई दिखाई है, ये होता है, ये होता है, तो प्लीज बहुत अच्छी बात, खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत था कि मर्द को हमेशा दिखाया है कि वो नेगेटिव है, गंदा है, मर्द के साथ साथ औरतें भी कभी कभी अपना रूप दिखाती है, ज्यादातर दिखाती है, आई एम सॉरी औरत हूँ लेकिन डिफाइंड इसलिए कर रही हूं, जिसने इस ड्रामे में काम किया है, मतलब जो भी किया वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और आपने हुमायूं सईद को जिसने मुझे आज तक इतना उसमें उन्हें इसका चेहरा देखती हूं, हुमायूं ने जीत लिया, हुमायूं ने अब इस एज में भी आके जीत लिया, वो हर हर दौर में रुला दिया, इसने रुला दिया, उसके जो आंसू गिरते हैं और जिसकी फीलिंग थी ना कि वो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन, बेगैरत होने के बावजूद कहता है कि रुक जाओ रुक जाओ, बस ये था। और हमारे बहुत प्यारे दोस्त अभी आए हुए हैं, मैं तो यहाँ जो लाइट यहाँ मिले, जब जब इनसे बात हुई बहुत अच्छा रिलेशन, और सबसे अच्छी बात यह है कि फेसबुक पे एक ब्लेसिंग वाली मैसेज इनकी तरफ से आते हैं, और माशाल्लाह इंडिया का कोई ऐसा सिंगर आर्टिस्ट नहीं है जिनसे साथ इनका कहते हैं मिलना जुलना ना हो, लेकिन इनके अंदर मोहब्बत इतनी है कि जब जब भी जहाँ जहाँ जाते हैं तो सब लोगों में मिक्स हो जाते हैं, तो थैंक यू सो मच। और हाँ मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत से गिफ्ट्स भी लाए, कुछ कहना चाहेंगे मेरे पास तुम हो, सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा मैं कि ना मुझे कहते हैं ना पाकिस्तान पाकिस्तानी होने पे अभी यानी कि फ़ख्र हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया कि जब यानी कि पाकिस्तान का कोई ऐसा ड्रामा या ऐसे कोई गाना होता है सुपर हिट होता है, तो आई प्राउड टू बी एज अ पाकिस्तानी, और ये ड्रामा जो है कहते मेरे पास हो तुम, उसने पाकिस्तान का जो एक जो लेवल था जो टीवी का जो मीडिया का था हम जो बढ़ा दिया है, और देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तानी पहला ड्रामा सीरीज है जो कि थिएटर में कल लग रहा है, और एक साल टाइम है, 8 से 10 का टाइम है, आप इसको लाइव देखेंगे टीवी में देखेंगे और आप इसको लाइव देखेंगे। अच्छा बात नहीं, इसके अभी पैसे नहीं मिल रहे प्रमोशन के, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारी फीलिंग है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को होता है ना कि क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो हम पब्लिसिटी इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो जो सीन देखा है जो जो ड्रामा देखा है वो लगता है कि हमारे किसी करेक्टर उसमें कोई ना कोई करेक्टर हमारे घर में से या हमारी फैमिली में से था, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, तो कोई ना कोई फंसा हुआ था, इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे दिल के करीब। मेरी अपनी कहती है ना जिंदगी के अंदर यानी कि लोग मुझे जानते हैं एज अ आर्टिस्ट सारे बैठे, लेकिन मैंने भी अपनी अपनी जिंदगी के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को एक बार कहा था कि प्लीज तुम रुक जाओ, और वो नहीं रुकी, तो बात ये कि ना जिंदगी तो चलती है, बात है जो इन्होंने शेयर की है, तो जिंदगी तो चलती है, कैरी ऑन है, लेकिन क्या होता है कि ना दुख के साथ सुख आता है, लेकिन इंसान का जो होता है ना पहला प्यार पहला जख्म कभी, तो नहीं वो कभी भी नहीं पड़ता है, तो बस ये कहूंगी अल्लाह उनको खुशियां दे, पीछे इनकी अम्मी जान है, आई एम हियर, जो हम सब की फेवरेट है, क्योंकि जब ये आता है तो आंटी जी आती है और मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उनको देख के एक अजीब सी खुशी आती है और इतना नूर है इनके चेहरे पे, मेरी अम्मी आंटी जी हम सब, और बहुत अच्छा लग रहा है सब, तो फिर बाद में आपको बताएंगे, हाँ ये कहेंगे मेरे पास तुम हो, काश मेरे पास तुम हो, हमेशा सबके पास सब रहे, क्योंकि सबके पास सब नहीं रहते और चले जाते हैं, तो वफा वो चीज़ है कि कुछ ना हो तब भी तुम पास रहो, और यही मोहब्बत है।
अब देखना ये कि अमेरिकी ने ड्रामे का क्या बोलते ना क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स किस लिए, क्लाइमेक्स हमें कुछ थोड़ा थोड़ा कहते हैं मानो में लेकिन हम शेयर नहीं करेंगे, हमें पता है हम नहीं बताएंगे, लेकिन क्लाइमेक्स जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। और ना अगर आपके कोई किस्म के साथ पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए कि हम बुरे के साथ जरूरी नहीं, हम कहते हमारी खुशियां हो बाकी उसने जो किया उसको अल्लाह में उसको उसका देता है, देता है। दिखाता है दुनिया में देता है तो बस दुनिया में दिखाए आखिरत में। और यानी कि ना डर गुजर भी करना माफ करना भी कहते हैं, देखे ना अल्लाह तो कहते हैं शर्क को कहते हैं अपना कहते हैं माफ माफ नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के हाथ में कहते हैं ना अख्तियार है, लेकिन क्या है डिसीशन अभी क्या थे ना आयशा खान का है या हुमायूं सेठ का, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ होगा अच्छा ही होगा। करेक्टर से जा रहे हैं दानिश के लिहाज से, महवेश के लिहाज से तो ये जीत है ड्रामे की। एंटायर द टीम वर्क, एंटायर द टीम वर्क, यू गाइस वर्क, इवन द स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, एवरीबॉडी, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम अच्छा है, राजपति खान साहब मेरे पास तुमों का जो गा दिया है वो मैं कहती हूँ खान साहब क्या बात है, आप छा गए और वैसे ही छाए हुए थे और छा गए, अल्लाह आपको जिंदगी दे और हमारे पाकिस्तान का नाम ऊंचा। ये सिंगर क्या थे ना राहत भाई जो कि बॉलीवुड की यानी कि वन ऑफ द आइकॉन है सिंगर थे, फिर उनको वहाँ पे काम कम मिला या स्टॉप हो गया, लेकिन आज ये गाने ने हर बॉलीवुड के घर घर में खान साहब का लोहा मनवा दिया। यस चले जी, थैंक यू सो मच मेरे पास तो वो थैंक यू ओके जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद एवरीबॉडी।